नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। गोरखपुर में भी मिशन शक्ति के चौथे चरण के अभियान का शुभारंभ हुआ। भाजपा सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पिंक स्कूटी पर सवार महिला पुलिसकर्मियों ने शहर में जागरूकता रैली निकाली। इसके साथ ही डायल 112 के वाहन भी रैली में मौजूद रहे। गौरतलब है कि नवरात्रि पर माँ शक्ति की उपासना के दौरान बेटियों को जागरूक करने की पहल को लेकर सीएम योगी के निर्देश पर मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ किया गया है। SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह की अगुवाई में मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई है। कार्यक्रम के दौरान ADG अखिल कुमार और SSP डॉक्टर गौरव गुरवर समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस लाइन के परिसर से जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं मीडिया से बातचीत में भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार वचनबद्ध है और बेटियों की सुरक्षा करने को लेकर इस अभियान की शुरुआत की गई है। जबकि SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक करने के साथ ही उन्हें महिलाओं से संबंधित अपराध से बचने की जानकारी भी दी जाएगी। और महिलाओं को मैं प्रणाम खास कर करता हूँ, क्योंकि आज आप लोग यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो 2014 के बाद जो नीतियां हैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, महिला शक्ति को लेके, नारी शक्ति को लेके, और पूज्य महाराज जी की डबल इंजन की सरकार की जो सोच है कि महिलाओं को एक अलग शक्ति मिले, महिलाओं में आत्मबल आए, महिलाएं डरे ना, उनकी सुरक्षा व्यवस्था, हर महिला एक दूसरे महिला के लिए आवाज उठाए। पुलिस तो साथ दे रही, लेकिन आप लोग जानते हैं कि आबादी अगर 50 लाख इस मंडल की है तो पुलिस फोर्स के तादाद कम होती है। पूरे देश में, पूरे विश्व में यही प्रथा है। तो वहां पर हम लोगों का फर्ज होता है कि हम एक दूसरे की आवाज बने, एक दूसरे को शक्ति दें, एक दूसरे को कानून का पाठ पढ़ाएं कि कानून आपका इंतजार करता है, फोन लाइन पुलिस की आप लोगों के लिए रहती है। सुरक्षा व्यवस्था समझना बहुत जरूरी है आत्मनिर्भर भारत में। तो आज ये कार्यक्रम जिसको शक्ति का ये चतुर्थ चरण है, इसके लिए मैं समस्त हमारे गोरखपुर पुलिस को दिल से, ADG साहब से लेकर पूरे प्रशासन को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ये अवेयरनेस, ये जागरूकता महिलाओं में, हमारी बहन बेटियों में बहुत जरूरी है कि आज कहीं से न डरे, किसी पास से न डरे, कानून को जरूर समझे। जब आप कानून को समझते हैं, लॉ को समझते हैं, क्योंकि मैं एक लॉ मेकर के रूप में, एक सांसद एक लॉ मेकर होता है, तो आप लोग जाने लॉ में बहुत सारी शक्तियां होती हैं।
इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए भाजपा सदर सांसद रवि किशन शुक्ला और एसपी क्राइम इंदु प्रभात सिंह ने कहा, मैं पूज्य महाराज जी, राज्य सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच है उस पथ पर प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हमारे एडीजी साहब, गोरखपुर चुकी अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक नजीर पेश करता पूरे भारत में, समस्त उत्तर प्रदेश में, तो उसी को लेकर आज महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्थाओं को, उसकी जानकारी, उसकी जागरूकता चौथे चरण में और जनवाना था पूरे पूर्वांचल को, पूरे मंडल को। तो आज बहुत बड़ा यहाँ से एक रैली निकली जिसमें बाइक पर भी हमारी पुलिस पेट्रोलिंग महिला कर रही है और महिला सुरक्षा कर्मी। तो महिलाओं में जागरूकता कि आप लोग कहीं कमजोर ना समझे, पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर को समझे, फोन कॉल पुलिस के नंबर जो है डायल आप जरूर करें। सर वो क्या नंबर है फॉर द वुमेन? 1090 पर आप लोग जरूर कॉल करें। और चूंकि नौकायन का इलाका है, टूरिज्म का इलाका है, पर्यटन, यहाँ सैलानी काफी आते हैं, तो हम लोगों का काम है कि सुरक्षा व्यवस्था करें। तो आज ये मुहिम के लिए पूज्य महाराज जी ने वहां से लखनऊ से झंडी दिखाई, हम लोगों ने एडीजी साहब, हमने मेयर साहब, हम लोगों ने यहाँ से गोरखपुर से ये झंडी दिखाई, तो एक बहुत बड़ी रैली निकली, एक बहुत बड़ा संदेश महिलाओं में, बहन बेटियों में गया है कि आप लोग कहीं भी कमजोर नहीं, आप लोग सुरक्षित हैं और सरकार, प्रशासन, पुलिस, हम सब और प्रतिनिधि आपके साथ हैं। आप लोग भी सचेत रहें, स्ट्रांग रहें, कमजोर अपने आप को कहीं भी ना समझें। अब वो जमाना लद गया 2014 के पहले वाला या 2017 के पहले वाला, ये भाजपा की सरकार है जहां आपकी सुरक्षा हम लोगों की जिम्मेदारी। जैसा कि आपको जानकारी है कि आज से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिशन शक्ति फेस फोर का शुभारंभ किया जा रहा है लखनऊ से, इसी क्रम में आज जनपद गोरखपुर स्थित पुलिस लाइन में माननीय सांसद जी द्वारा एक रैली का शुभारंभ किया गया है, जिसमें सभी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ अन्य सभी डिपार्टमेंट की गाड़ियां अपने बैनर और लोगों के साथ सम्मिलित हुई है। जो रैली है वो काली मंदिर चौराहा से गणेश चौराहा, शास्त्री चौक से अम्बेडकर चौराहा, पैदलेगंज नौकायन होते हुए वापस पैदलेगंज से मोहतीपुर और रोडवेज बस अड्डे से कावल तिराहा होते हुए वापस पुलिस लाइन पे आके समाप्त हुई है। रैली के माध्यम से क्या संदेश दिया गया? इस रैली के माध्यम से जो हमारी जनता है उसको ये संदेश दिया जा रहा है कि एक तो जो महिला सशक्तिकरण का अभियान चल रहा है उसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और जन जागरूकता का जो प्रोग्राम सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा चलाया जा रहा है उसमें पहुंचे और जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ लें। जितनी ज़्यादा महिलाएं जागरूक होंगी उतनी ज़्यादा सशक्त होंगी, उतनी ज़्यादा ही वो जो सरकारी योजनाएं हैं उनके लिए जो सरकार के द्वारा लाई जाए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसकी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगी। और जो उनसे संबंधित, उनकी सुरक्षा से संबंधित कानूनी प्रावधान और टोल फ्री नंबर है उसकी भी जानकारी उनके लिए बेहद जरूरी है, ताकि अगर कोई इमरजेंसी होती है या कोई आकस्मिकता मिलती है तो वो इन नंबरों पे कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं।